जब आप किसी का अपमान करते हैं तो आप जिसका अपमान कर रहे हैं उसके अंदर से आपके लिए क्या निकलेगा? दुआएं निकलेंगी या बद्दुआएं? कोई संत ही होगा जो ये कहे कि भगवान इसे सद्बुद्धि दो, वरना आप किसी को सताएंगे, चींटी को सताइए, हाथी को सताइए, कुत्ते को सताइए, तो वो आपको आशीर्वाद। अब आप किसी का गला काटें, आप किसी को तलवार से मारें, मुर्गी को पका के खाएं, मछली को पानी से निकालें, तो मछली आपको आशीर्वाद तो ना देगी कि जा भैया तेरा भगवान भला करे। बेचारी तड़पेगी तो बद्दुआएं निकलेंगी ना। तो जब आप किसी को भी सताते हैं, आप अपने पिता को, माँ को, बहन को, भाई को, दोस्त को, मित्र को, पड़ोसी को, राह चलते किसी को, जब आप किसी को सताते हैं, जब आप किसी का अपमान करते हैं, तो वो आपके लिए बद्दुआएं देता है। मैंने आपका क्या, अब देखो मैं आपको कथा सुनाता हूं, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, फिर भी मुझे कोई गाली दे, अपमानित करे, तो मैं तो भगवान से प्रार्थना यही करता हूं कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। लेकिन फिर भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने जिसे गाली दी, आपने जिसे सताया, उसका गुनाह क्या था, ये तो बताओ। चलो आप राह चलते किसी आदमी को गाली दे दो, एक थप्पड़ मार दो, तो आप थप्पड़ मार के भूल जाएंगे, गाली दे के भूल जाएंगे, पर जब मरेंगे, चलो नहीं भी मरेंगे, तो कभी ना कभी आपसे हिसाब लिया जाएगा कि क्यों भाई फलाने को आपने मारा था, क्यों मारा था, क्या गलती की थी उसने, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। छोड़ो, कई लोगों को आपने देखा होगा, कुत्ता जा रहा होता है, कुछ लोग कुत्ते को पत्थर फेंक के मार देते हैं, पत्थर जाके टांग में लगता है और बेचारा वो लंगड़ा होते हुए कहीं कहीं करता हुआ भागता है। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कभी कि भाई उस कुत्ते ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे पत्थर फेंक के मारा। हाँ, यदि वो आपको देख के भौंक रहा होता, वो आपको काटा होता, उसने आपका कुछ बिगाड़ा होता, तो बात समझ में आई थी कि चलो हिसाब हो गया, पर उसका कोई अपराध नहीं था और आपने बिना अपराध के उसे मारा, और जब मारा तो आप पाप के भागीदार बन गए। इसलिए तो कहा है दुर्बल को न सताइए, बोलो मेरे संग, दुर्बल 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 को न सताइए, जाकी मोटी हाय। दुर्बल को ना सताना कभी, गरीब को, असहाय को, लाचार को, बेबस को कभी ना सताना, वरना उसके अंदर से जो तुम्हारे लिए बद्दुआ निकल जाएगी ना, वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, उन संत का जो ध्यान में डूबे थे, भगवान के चिंतन में, उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा था परीक्षित जी का, पर परीक्षित जी को एटीट्यूड आ गया, क्योंकि उनके सिर पर कलयुग सवार था परीक्षित जी के। अच्छे राजा थे परीक्षित जी, पर कलयुग खोपड़ी में चढ़ जाए तो अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि भी बिगड़ जाती है, परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, है ना। अपमान क्या किया, मरा हुआ सांप गले में लपेट दिया, क्या बिगाड़। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि संत जी ने आपका क्या बिगाड़ा था। आप लोग भी कई बार बिना सोचे विचारे किसी को कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे विचारे किसी का दिल दुखा देते हैं, एक बार सोच लिया करो। आप तो बोल के निकल जाएंगे, कहकर आगे बढ़ जाएंगे, आप भूल भी जाएंगे, पर जिसके लिए आपने बोला है क्या उस बेचारे को नींद आएगी, क्या उसका दिन अच्छा गुजरेगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमसे हमारे द्वारा कभी किसी का दिल ना दुखे। यदि हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो किसी को हम दुखी क्यों करें। हम तो देखो चींटी को भी दुखी नहीं करना चाहते, चींटी हम रास्ते से चलते हैं, धोखे से पांव रख जाए तो रख जाए, वरना यदि दिख जाती है तो पांव बचा के रखते हैं चींटी पर, मतलब रखते नहीं, मतलब वो निकल जाए पहले, फिर अपन रख लेंगे या बगल में रख लो। अपराध
क्यों हो, क्यों करें? परीक्षित जी ने संत का अपमान किया, गले में सांप डाला, उन्होंने श्राप दे दिया। उनके पुत्र श्रृंगी जी ने, लो भैया 7 दिन में मरने का।